पहले फर्स्ट का फर्स्ट में ले रहा हूं माइनस फोर एंड टू माइनस टू कंपेयर द नंबर विच इज लेस देन विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. तो नंबर लाइन की हेल्प से अपन इसको कंपेयर करेंगे. नंबर लाइन हमने देखी थी ठीक है, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर. वन टू इस तरह से नंबर लाइन बनी होती है. तो अपन कंपेयर कर रहे हैं माइनस टू माइनस फोर और माइनस टू. नंबर लाइन में आपको चीज समझाई थी लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो लेस देन होते हैं, राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं. तो माइनस फोर आपका कहा है लेफ्ट साइड है, माइनस टू कहा राइट साइड है. तो राइट साइड की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी स्मॉल देन. तो ग्रेटर कौन सा नंबर होगा, माइनस टू इज ग्रेटर. क्लियर, क्यों, क्योंकि राइट साइड में वैल्यू है नंबर लाइन पर. इसी तरह से एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हम लोग माइनस ट्वेल्व एंड थ्री, इसकी नंबर लाइन अगर अपन बनाए तो क्लियर है माइनस ट्वेल्व यहां आएगा एंड एट प्लस का इस साइड आएगा. तो राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ग्रेटर. तो एट क्या हो जाएगा पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर, और माइनस ट्वेल्व का है लेफ्ट साइड में आएगा नंबर लाइन पर, सो इट इज लेस. तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर टू, इन क्वेश्चन नंबर टू कंपेयर द फॉलोइंग डिजिट विदाउट नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के कंपेयर करते हैं. क्लियर, वो सेम चीज है 87 माइनस 87 एंड 28 माइनस और प्लस. माइनस प्लस में प्लस वाला पॉजिटिव नंबर क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर, पॉजिटिव नंबर क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर. तो डायरेक्ट विदाउट नंबर लाइन हम इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों बोथ नंबर्स को. माइनस सेवन 87 क्या है लेस देन है और 28 ग्रेटर देन है. सेम एज इट इज 42 एंड 0 विच इज लेस देन ग्रेटर. 42 क्या है ग्रेटर है 0 से पॉजिटिव है. तो विदाउट नंबर लाइन हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को देख करके. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस 8 11 14 0 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 1. अरे जी असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है नंबर्स इन ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट. तो लोएस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा निकला है जो नेगेटिव है और सबसे बड़ा है माइनस 8. माइनस 8 इज स्मॉलेस्ट, देन माइनस 7 माइनस 3 माइनस 1 0 11 एंड 14. क्लियर, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट. क्लियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का रिवर्स, असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स कर देंगे क्या बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मींस हाईएस्ट टू लोएस्ट. हाईएस्ट नंबर क्या होगा जो पॉजिटिव में हाईएस्ट है 290 इज द हाईएस्ट नंबर. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, नेक्स्ट स्मॉल नंबर देन 290, इससे स्मॉल नंबर क्या होगा जस्ट 34.
34 से स्मॉल नंबर क्या होगा माइनस 45 और सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा माइनस का 890 दिखने में तो 890 बड़ा दिख रहा है लेकिन क्या है नेगेटिव है तो जो नंबर नेगेटिव होता है वो जितना ज्यादा बड़ा होता है नेगेटिव में वो उतना ही स्मॉल हो जाएगा तो ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एट द फॉलोइंग इंटीजर और नंबर 9 नंबर 9 पर इंटीजर्स को एड करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5 का फर्स्ट 5 एंड माइनस 10 नंबर 9 पर नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं सबसे पहले हम नंबर 9 का नहीं नंबर 9 इस तरह से बनाने गिवन नंबर उस नंबर 9 पर मेंशन हो प्लस का 5 और माइनस 8 माइनस 10 माइनस का 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 ओके तो हमें 5 5 प्लस माइनस 10 करना है मींस 5 का है पॉजिटिव 5 दिस ठीक है प्लस करना है नेगेटिव नंबर्स को तो लेफ्ट साइड में हम जाएंगे नेगेटिव नंबर्स को प्लस करना है नेगेटिव नंबर्स को तो नेगेटिव में हमें हमेशा होम करना है लेफ्ट साइड में तो कितना 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 क्लियर अपना आंसर क्या आएगा माइनस 5 दिस इज द आंसर इस तरह से नंबर 9 पर आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं ये चीज ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखनी है हमें यहां पर सॉल्व करते रहे एडिशन जब अपन करते हैं तो पॉजिटिव नंबर नंबर में अगर माइनस नंबर को ऐड करना है तो लेफ्ट साइड में मूव करना है वन बाय वन और प्लस इंटीजर में प्लस को ऐड करना है तो राइट साइड में जाएंगे क्लियर यहाँ माइनस 10 नेगेटिव था इसलिए हमें लेफ्ट साइड में मूव किया है अगर यहाँ पर प्लस 10 होता तो हम 10 टाइम्स मूव करते राइट साइड में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ले लेते हैं माइनस 12 एंड माइनस 5 बोथ आर नेगेटिव तो नंबर जो बनेंगे नेगेटिव उसको ज्यादा बनेंगे माइनस का 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 ओके इतना ही काफी माइनस 12 हमें माइनस में होम नंबर देने होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस 30 एंड माइनस 5 एक ओ नंबर्स और नंबर 9 तो दो नंबर यहां माइनस में तो माइनस में करने के लिए हम माइनस नंबर्स ले रहे होंगे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 5 6
का 12 है, माइनस का 12, यस यहां पर है, यहां पर है, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12 माइनस का 12 है और माइनस के 12 में माइनस का 5 ऐड हो रहा है, तो मैंने आपको बताया माइनस का 5 माइनस का इंटीजर अगर ऐड हो रहा है तो मूव कहां करना, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 एंड 5, 5 एंड 5 टाइम्स कहां लेफ्ट में मूव करेंगे, आंसर क्या मिलेगा माइनस का 17। इस तरह से नंबर लाइन की हेल्प से आप नंबर्स को इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, आंसर है माइनस 17, क्लियर। माइनस माइनस इसको नॉर्मल तरीके से आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई करने के लिए चेक करने के लिए हम देखेंगे माइनस 12 प्लस माइनस का 5, माइनस 12 माइनस 5 कितना हो जाता है माइनस माइनस प्लस, और हम साइन क्या आएगा माइनस का, चेक करके भी आप देख सकते हैं आंसर क्या आना चाहिए माइनस 17, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नॉर्मल करेंगे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइन क्या आएगा 45 पर, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, आंसर इज माइनस 45, क्लियर। इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, साइन का ध्यान रखना है, साइन भी इस तरह से अरेंज करना है, प्लस माइनस 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 प्लस। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये अपने लिए एडिशन, अब अपन करेंगे सब्ट्रैक्शन, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स, माइनस 2 फ्रॉम 5 फ्रॉम 15, माइनस 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15, 15 में से आप यहां आपको ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, ये चीज का ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में, 15 माइनस माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस और माइनस 2 नेक्स्ट नंबर माइनस, अब क्या करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 प्लस 2, क्लियर। साइन का ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, साइन चेंज हो गए, 15 और 2 प्लस है क्या हो जाएगा 17, दिस इज द आंसर, 17 इज द आंसर, ये चीज ध्यान रखना साइन चेंज हो जाएंगे, साइन मल्टीप्लाई हो गए तो साइन मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 17। इस तरह से बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आप करिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लिख दीजिए, क्वेश्चन में आप छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a, ठीक है, सिंपल से आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें आपको सोल्व करना है, प्लस या माइनस जो भी होगा अकॉर्डिंग टू साइन हम उसको सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन करके देखते हैं, माइनस माइनस 29 प्लस माइनस 11, क्लियर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एज इट इज नंबर लिखने प्लस साइन सोल्व करना है, स्टार्टिंग में प्लस माइनस नहीं करना, प्लस सिंगल साइन करना है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 42, माइनस माइनस प्लस 29, प्लस माइनस माइनस 11, क्लियर। अब करेंगे 1 by 1, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव, प्लस नंबर को प्लस के साथ कर दो, 53 और 29 बोथ आर प्लस बोथ आर पॉजिटिव, देन ऐड द नंबर्स 82 82, 53 और 29 को मैंने क्या किया प्लस किया, माइनस 42 और माइनस 11 है, अपन हमें पता है माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 and 5, 53 होगा बट साइन क्या लगेगा ग्रेटर नंबर पे, क्या साइन है माइनस, 53 पे क्या लगेगा माइनस का साइन, अब कर सकते हैं इजीली सॉल्व, क्या करना है सेपरेट, ये आएगा 9 और 2 29, क्लियर, 29 इज द आंसर,